मुझे एक कविता लिखना है, मुझे एक कविता लिखना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी कुक्षी में डालना है एक कंकड़। मुझे कविता लिखना है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी कुक्षी में डालना है एक कंकड़। अपने गर्भ के ताप को करना है नियंत्रित। इस हद तक खुद को बनाना है संयमित के भ्रूण का स्पंदन तक न ला सके रोमांच। क्या बात है। भ्रूण का स्पंदन तक न ला सके रोमांच, आखिर मेरे प्रस्तरांश के जनक की प्रयोगशाला भी तो मुझी में है। आखिर मेरे प्रस्तरांश के जनक की प्रयोगशाला भी तो इसी में है। निमिष की त्वरा से एक प्रयोग विफल हो सकता है, क्योंकि जो गर्भ मुझे ठहराया गया है उसके पतन की आशंका जताई है डॉक्टरों ने। ओह सो अपने प्रयोग की सफलता के लिए मुझे रोज ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे मैं हिल भी ना सकूं। नियत समय पर मुझसे प्रसव करवाया जाएगा। मैं शायद उसे देख भी ना पाऊं जिसे मैंने जना है। आखिर दोनों को निर्धारित कार्यों का संपादन जो करवाना है, उसे जाना है कारखाना जहां उसकी यानी उस मोती की तराशी होगी, बाजार आने लायक रंग रोगन होगा, और मुझे एक और कंकड़ लेने के लिए बढ़ जाना होगा जब तक मुझ में प्रस्तरांश को मोती बनाने की ताकत शेष रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। आपने संवेदनाओं को, मैं वही यही मैं वही बात मैंने अपनी भूमिका में लाने की कोशिश की थी, और मुझे खुशी जी है कि उसके बाद जो तारतम्य जुड़ा, संवेदनाओं का तार जो जुड़ा, तो वो बिल्कुल उन्हीं बातों से जुड़ा। आपने संवेदनाओं की उसी रेखा को खींचा। और जी 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 पल्लवी जी, कुछ कह रही थी आप। बस कह यही रही थी कि जीवन में बहुत सारी चीजें एकमेक भाव से आती चली जाती हैं, और हम बहुत बार ना चाहते हुए भी उसके साक्षी तो बनते ही बनते हैं, और वो चीजें हमारी जिंदगी में यूं नत्थी होती चली जाती हैं। तो वैसा ही ये सारा का सारा अभ्यास भी है, जहां हम चाहते तो जरूर हैं, क्योंकि मैं खुद संगीत से अभिन्न रही हूं, तो मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म है कि रियाज कितना जरूरी है। और जब आप दुनियावी तमाम चीजों में उलझ कर आप रियाज नहीं कर पाते हैं, तो किस प्रकार से आप अंदर से महसूस करते हैं वो खालीपन।